अरे भाई न्यू कैरेक्टर कितना खतरनाक है, ड्रॉप से भी नहीं मरता। एंड अभी आप जलवा देखो ओरियन कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर का, देख सकते हो दूसरे का घींच कर आपका एचपी बढ़ रहा है। साथ में एक और आप देखो, दोनों एक साथ यूज कर रहे हो तो किसी को भी डैमेज नहीं कर रहा है, कितना तगड़ा लग रहा है। आप देख पा रहे हो एयर ड्रॉप इसके ऊपर गिर रहा है तब भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप इसे अमर कैरेक्टर बोल सकते हो। ग्रेनेड से भी ये मरने के लिए कोशिश कर रहा है तब भी ये ग्रेनेड से भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। साथ में दूसरे का देख पा रहे हो मतलब उसका डैमेज कर रहा है और आपका एचपी दे रहा है, इतना इस कैरेक्टर को पावर है। आपने देखा जैसे भी मैंने उसको डैमेज दे दिया, मेरा एचपी मतलब मेरा एचपी घिंच के हुए अपना एचपी फुल कर लिया उधर का बंदा। मतलब देखो जॉन में भी इसको डैमेज नहीं पड़ता जब तक इसकी एबिलिटी ऑन रहेगी, मतलब कितनी पावर एबिलिटी है ये न्यू कैरेक्टर का। मैंने आपको जलवा दिखाया गया ये कितना खतरनाक कैरेक्टर है, इसे आप अमर कैरेक्टर बोल सकते हो। अगर आप इस कैरेक्टर को ऊपर से यूज करके भी नीचे कूदोगे ना तो आपको डैमेज नहीं पड़ने वाला। आप सब देखोगे जिस स्क्रीन पे अभी मैंने नीचे कूदा डैमेज पर, अगर मैं एबिलिटी को यूज करके नीचे कूदा देखो मुझे डैमेज नहीं पड़ा। गाइज ये मतलब समझ लो एक तरह से अमर कैरेक्टर है, मतलब ये कैरेक्टर ही ऐसा है ना गाइज। ग्रेनेड फेंको ये, इसके ऊपर आप एयर ड्रॉप गिरा दो, इस एबिलिटी को यूज कर दो, अगर इसको फायर भी करेगा अगर ये एबिलिटी आप यूज कर लोगे तो कितना खतरनाक होगा। एंड गाइज चलो मैं आपको इस एबिलिटी के बारे में तो टेस्ट तो अब ये मैं आपको दिखा दिया, अब चलो गाइज हम ये सबको न्यू कैरेक्टर के बारे में थोड़ा समझा देते हैं इसका एबिलिटी एक्चुअल में क्या है। अब चलो गाइज हम आपको तो टेस्ट करके बता दिए इसका क्या क्या गाइज खतरनाक है, थोड़ा सा हम एबिलिटी के बारे में समझा देते हैं। ये ओरियन एबिलिटी क्या है गाइज, अगर आप इस कैरेक्टर को लोगे तो ये आपको मैक्स किया हुआ मिलेगा, मतलब आपको लेवल ओबल अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपको बस इसका बैनर अवतार करने के लिए यहाँ पर आपको मतलब गेम प्ले करना पड़ेगा। अगर आप गेम प्ले करोगे, पॉइंट पुराओगे इस कैरेक्टर के साथ खेलोगे, ऑटोमेटिक आपको पॉइंट मिलेगा। गेम के बाद आप ऊपर देख पा रहे हो ऑटोमेटिक आपको ये बैनर अवतार मिल जाएगा। अब सबसे पहले एबिलिटी क्या है अब इसके बारे में समझो। देखो गाइस इसका जो एबिलिटी है, अब ये देखो ये एक तरह से अमर है, ये जितने सेकंड के लिए आप जो स्क्रीन पे एक्टिव कैरेक्टर देख पा रहे हो जो मैं यूज करता हूं, ये जितना सेकंड के लिए मतलब ये बनेगा, ये कितना सेकंड के लिए बनता है पता है, अगर आप इसे यूज करते हो ये बनता है गाइस 3 सेकंड के लिए, कितना 3 सेकंड के लिए ये इसे आप यूज करते हो, ये जो मतलब रेड जो ये गोला बनता है ओनली वे 3 सेकंड के लिए बनता है। 3 सेकंड के लिए जो बनेगा ना, अगर वे 3 सेकंड के अंदर उसके ऊपर अगर आप एयर ड्रॉप गिरा दो या ग्रेनेड यूज कर दो या आप 3 सेकंड के अंदर आप ऊपर से नीचे गिर जाओ तो वे आपको डैमेज नहीं पड़ने वाला, मतलब एक तरह से वहां पर आप उसको अमर कैरेक्टर, उसको 3 सेकंड में समझ लो एक तरह से अमर बन जाता है, समझ रहे हो ना, मतलब इतनी तगड़ी वे एबिलिटी होने वाला है। आप सब ये समझ रहे हो। एंड साथ में इसका कैरेक्टर का और खासियत है, अगर आप इसे एबिलिटी को एक्टिव एबिलिटी को अगर आप सब यूज करते हो, यूज करने के बाद ये अगर वे 5 मीटर, सबसे पहली बात ये एक गोला बनाता है 5 मीटर का, ठीक है, ये 5 मीटर का समझ लो गोला बनाता है। आप यहां पर हो, ये 5 मीटर ये समझ लो ये एरिया है, ठीक है, अगर आप यहां पे गोला बनाते हो, अगर यहां पर इनिमी है, यहां पर इनिमी है, ये 5 मीटर में आ रहा है, तब अगर आप इसे यूज करोगे ना, अगर आपका मान लेता हूं 15 एचपी कम है, कितना एचपी 15 एचपी कम है, ठीक है, तो ये आपका उसका एचपी घींच के आपको 15 एचपी दे देगा। अगर आपको फुल है तो आपको नहीं देगा, लेकिन उसका तब भी 15 एचपी कम हो जाएगा, उसके यहां पे उसका डेबाल रहे, अगर वे 5 मीटर के अंदर आ जाता यहां पर देबाल रहे या वे ग्लोबल में पेक रहे या वे क्रोमा में पेक रहे, मतलब क्रोना जो कैरेक्टर रहता है या उसमें पेक रहे, या अगर कोई चीज भी रहेगा वे 5 मीटर के अंदर, अगर वे छत के ऊपर भी रहता है, अगर आप 5 मीटर के एरिया में हो तो गाइस उसका तब भी 15 एचपी कम हो जाएगा, समझ लो कितनी तगड़ी हो रहा है। मतलब गाइस मैं यही मैं बोलना चाहूंगा, अगर वे देबाल है, जैसे मान लेते हो देबाल है, आप इस साइड हो, अगर वे 15 एचपी उसका तब भी कम कर देगा अगर आप यहां पे एक्टिव एबिलिटी यूज करोगे तो ये फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात है देखो, अब मैं इसका एक बताऊंगा भी जो मुझे बहुत खराब लगा इस कैरेक्टर के साथ, ये खतरनाक तो है एंड ये कोई काम का भी नहीं है। इसका जो मतलब समझ लो चार्ज है ना, जिससे ये अमर बनता है, इसका ईपी से मतलब है, अगर इस कैरेक्टर के पास ईपी नहीं रहेगा ना तो ये अमर नहीं बन सकता, सबसे मेन होता है ईपी। अब ईपी आप कैसे ला सकते हो तो मैं इसके बारे में तो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ईपी कैसे ज्यादा कलेक्ट कर पाओगे। एंड मेन चीज इसका एक और मुझे बहुत बढ़िया चीज लगा है, ये जो कूल डाउन होता है ना ओनली 30 सेकेंड में हो जाता है, जो उसका एक्टिव जो एबिलिटी है ओनली ये 30 सेकेंड में ही चार्ज हो जाता है। जब चार्ज तो यहां पर हो जाएगा, ब्लैक तो हो जाएगा, अगर आपके पास ईपी ही नहीं रहेगा तो गाइज आप सब मतलब इसे यूज ही नहीं कर पाओगे। कम से कम गाइज ये आधा ईपी रहना चाहिए, ये जो एरो जहां पर देख पा रहे हो, तभी आप एक्टिव कैरेक्टर को यूज कर पाओगे, मतलब इस कैरेक्टर को यूज कर पाओगे, उसके लिए आपको ईपी का जरूरत है। ईपी अगर आप लोग क्लास स्क्वाड खेल रहे हो, मतलब क्लास स्क्वाड सीएस रैंक खेल रहे हो, उसमें तो आप ईपी खरीद लोगे आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको
मैं एक और कारण बताता हूँ, ईपी आप कैसे और कलेक्ट कर सकते हो। देखो गाइज, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आप लोग समझ गए कि ये 15 एचपी आपको ये दूसरे का घींच के दे देगा, उसका कम कर देगा, और ये 5 मीटर तक होगा। मैंने आपको ये भी समझा दिया, 5 मीटर के अंडर, और ये 3 सेकेंड तक वे रेड वाला गोला बनेगा, और ये 30 सेकेंड में चार्ज होगा। आप सब ये समझ गए। और इसका जो ईपी जो रहेगा, इसका जो ईपी रहेगा स्पेशल, वे 300 ईपी रहेगा, रेड वाला ईपी रहेगा। कितना रहेगा, उसको एनर्जी है, समझ लो इसका, ये जो 300 जो रहता है ना ईपी, समझ लो इस कैरेक्टर का, इसका एनर्जी है, जान है, समझ लो एक तरह से जान है, ठीक है। एंड ये बताए, अगर आप अगर यूज करना चाहते हो, जैसे इसका एबिलिटी अगर आप यूज करना चाहते हो, कम से कम आपके पास 150 रहना चाहिए एनर्जी, 150 एनर्जी लगता है गाइस एक बार यूज करने में एक्टिव करेक्टर को। एक बार यूज करोगे तो 150 ये एनर्जी खत्म हो जाएगा, मतलब अगर आप मतलब 300 लोगे तो मतलब दो बार ही यूज कर पाओगे। अब देखो गाइस, अब इसमें आपको ईपी लेके जाना है, ये तो गाइस एक्टिव करेक्टर है, आपको पता है। अब देखो आपको इसके साथ कौन सा करेक्टर यूज करना है जिससे गाइस आपको मतलब ईपी का जरूरत होगा। अब देखो गाइस, पहली बार देख पा रहे हो, आप इस करेक्टर को यहां पर से यूज में लगा दोगे। लगाने के बाद आपको जो यहां पर जो स्किल जो सेट करना है ईपी के लिए, अब देखो यहां पर क्या सेट करना है जिससे आपको ईपी मिलता है। अब देखो गाइस, ईपी आपको मैं बता देता हूं किससे आपको देखने को मिलता है। हां, ये वाला जो आप करेक्टर यहां पर जो आप देख पा रहे हो, ये वाला करेक्टर आपको इससे 200 ईपी मिलेगा अगर एक इनिमी को डाउन कर दोगे। सीएस में या बीआर में तो आप लोग मशरूम खा लोगे इधर उधर से, आपको पता है। लेकिन अगर आप सब सीएस रैंक खेलते हो, मतलब सीएस रैंक के क्लास स्क्वाड खेलते हो, उसमें अगर एक इनिमी को मारोगे 200 आपको ईपी मिलेगा, मतलब आप लोग एक बार यूज कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस करेक्टर को आप सब एक बार जरूर सिलेक्ट कर लेना, मैं बता दे रहा हूं। और इसमें आप लोग कोई भी मतलब इस करेक्टर को इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये ओरियन न्यू करेक्टर यूज करोगे तो ये वाला एबिलिटी जरूर लेकर जाना, ईपी में हेल्प मिलेगा। और साथ में पेट भी आप ईपी वाला ले जा सकते हो, एक है, ठीक है। एंड आप लोग ये बर्न फायर जो होता है ना, ये बर्न फायर ये जरूर ले जाना, इससे भी आपका ईपी यहाँ पर ला देगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आप लेकर जरूर जाना, अगर आप न्यू कैरेक्टर जो होता है ना, अगर आप इसे यूज करोगे तो ये दो चीज जरूर लेकर जाना जो मैं आपको एबिलिटी बता रहा हूँ। इस पर मैं और वीडियो लाऊंगा कि इस कैरेक्टर के साथ कौन कौन सा एबिलिटी लगाकर मुझे गेम खेलना चाहिए सीएस के लिए और बीआर के लिए। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है। चलो गाइस, मिलते हैं इसी तरह के मजेदार वीडियो में। टाटा, बाय बाय।